आर्ट ऑफ बाइंग अ मोटरसाइकिल या मैं कौन सा बाइक खरीदूं? ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है एंड साथ में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है। इजी क्वेश्चन इसलिए है अगर आप किसी के पास जाएंगे, रैंडम बंदे के पास जाएंगे, उसको पूछेंगे कि भाई कौन सा बाइक मैं खरीदूं, तो वो आपको बताएगा कि भाई ये बाइक खरीद ले, बहुत जबरदस्त बाइक है, ये खरीद सकते हो। ही इज नॉट रॉन्ग एट इट, लेकिन वो रॉन्ग इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज उसने सिर्फ एक बाइक देखी है, खुद चलाया होगा या दोस्तों ने यूज किया होगा एंड उनके ओपिनियन जो है वो आपको बता रहा है। सो दैट इज हाउ इट इज। लेकिन अगर आप मुझे या मुझ जैसे किसी और को आप पूछेंगे ये क्वेश्चन कि कौन से बाइक खरीदूं, तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन उनको। पता है डिफिकल्ट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हम लोग डे टू डे बहुत सारे डिफरेंट बाइक्स को चलाते हैं एंड इन बाइक्स को डिफरेंट नजरिए से हम देखते हैं। सो ये जो नजरिया या एंगल से, पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं, उससे बहुत ज्यादा चीजें डिफरेंट हो जाती है व्हेन यू बाय अ बाइक। सो मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे बहुत सारे पिंग्स ऐसे आते हैं कि भाई सजेस्ट मी अ बेस्ट बाइक। तो यार फंडा ये है ना कि अगर आपको मैं बता दूं कि अगर आप टाइगर खरीद लो तो वीडियो बाय इट। टाइगर हर किसी के बजट का नहीं होता या हर किसी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। आपके पास पैसा भी है लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्या मतलब है बाइक खरीदने का। सो इससे मैं आंसर देना चाहता हूँ कि आपको जब भी आपको बाइक या कार खरीदनी है, सो फिलहाल की जब हम बात करें बाइक के बारे में ही, अगर आपको मोटरसाइकिल खरीदनी है देन मुझे पूछने से या किसी को पूछने से पहले आपको तीन क्वेश्चन अपने आपको पूछना पड़ेगा। वो तीन क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बजट क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है या पर्पज क्या है, एंड थर्ड क्वेश्चन ये होता है कि आप कौन से ब्रांड के साथ आप जाना चाहते हो। सो यस गाइस, इन्हीं तीन क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे इन विस्तार। सो यस गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल, इट्स मी नितीश नियो, व्हाट्सअप, कैसे हो, कैसे काय एंड नमस्कारा, हे गिदिरा। आई एम क्वाइट श्योर आप लोग बहुत ही बढ़िया कर रहे हो एंड आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो यस गाइस, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट ऑफ इट। सो यस, अगर आप लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हो या आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then do the subscribe button, like this video and share this video with all your friends on WhatsApp या Facebook के ऊपर वीडियो देखने के बाद, एंड साथ में गाइस बेल आइकॉन जो है उसको दबा दीजिएगा ताकि आपको तुरंत सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे मेरे हर एक अपलोड के। हम लोग आंसर करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी योर बजट। गाइस बजट जो होती है ना वो हर आदमी का, हर एक किसी का डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कैन अफोर्ड अ बाइक ऑफ 1 lakh rupees देन आई थिंक ऑफ स्ट्रेचिंग इट बाय अ लिटिल मोर। मतलब जैसे कि अगर जो बाइक खरीद रहा हूँ मैं 1 lakh rupees से नहीं आ रहा है एंड बेटर बाइक जो आ रही है 1.5 लाख रुपीस में आ रही है, देन आई वुड थिंक ऑफ गोइंग फॉर अ बाइक विद 1.5 लाख रुपीस बिकॉज मैं सोचता हूँ कि लॉन्ग टर्म में मुझे कौन सी बाइक काम आएगी। तो आपको भी वो चीज सोचना पड़ेगा कि जस्ट डोंट स्टिक टू योर बजट, लेकिन मैं 1 lakh rupees का ही खरीदूंगा वो बस सोचिए, लेकिन ये सोचिए कि उसके नजदीकी चीज में कौन सी बेटर बाइक है, कौन सी बेटर ब्रांड आपको मिल रही है, कौन सी बेटर बाइक है जिसके रिव्यूज बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, वो आपको सोचना पड़ेगा। ये बजट आपको फिक्स करना जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ज्यादा EMI देना चाहिए, डोंट गो फॉर बिगर EMIs, डोंट थिंक ऑफ EMI फर्स्ट एंड बाकी का स्पेंड बाद में, बिकॉज बाकी का स्पेंड जो होता है उसको हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। तो यस, सेविंग्स ये सब कुछ चीजें पहले आती है, बट ये टोटली डिफरेंट टॉपिक है, बट अगेन डोंट ओवर स्पेंड ऑन योर EMIs। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सो आते हैं अभी टुवर्ड्स सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि आपकी पर्पस क्या है। पर्पस मतलब ये बोल रहा हूँ कि डू यू वॉन्ट टू बाय अ बाइक फॉर टूरिंग, डू यू वॉन्ट टू बाय अ बाइक फॉर नॉर्मल डे टू डे सिटी यूसेज, मतलब जैसे घर से ऑफिस, घर से कॉलेज या घर से मार्केट, मतलब ये सब चीजें करना है उसके लिए चाहिए, या व्हाट डू यू वांट अ बाइक फॉर, रेस ट्रैक के लिए चाहिए। रेस ट्रैक का कल्चर अभी इंडिया में इतना ज्यादा नहीं है, तो आई वुड नॉट वांट टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ रेस ट्रैक। रेस ट्रैक के लिए मतलब एक अलग ही सेगमेंट है वो, जहां पे आप सोच सकते हो उसके बारे में। लेकिन कमिंग टू द पॉइंट, दो चीजें मैं बहुत ज्यादा बहुत बार सुनता हूँ, बहुत मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे ऐसी बाइक चाहिए जो सिटी एंड लॉन्ग टूर्स के चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज हमेशा ऐसा होता है कि हर कोई सिटी में ऐसा नहीं, ऐसे सिटी में नहीं रहता जहां पे ट्रैफिक कम है। मतलब व्हेन यू लुक एट सिटीज लाइक बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली या हैदराबाद या चेन्नई, तो ऐसे हर जगह पे ऐसी होती है ना, ट्रैफिक जो होती है थोड़ा ज्यादा होता है, एंड इफ यू कम्यूटिंग एवरी सिंगल डे ऑन दोज बाइक्स विच आर एक्चुअली मेड फॉर टूरिंग, तो भाई क्या बताऊं मैं, बहुत ज्यादा थकान हो जाती है। ये सब चीजों का आपको सोचना पड़ेगा कि आपको ट्रैफिक में कौन सी बाइक आसान होती है। इफ यू आर गोइंग वंस इन अ व्हाइल ऑन अ टूर, देन अब हमेशा ये सोचिए कि आपकी हाइब्रिड बाइक कौन सी होती है, ताकि आप सिटी में भी यूज करो एंड आप लॉन्ग टूर्स पे भी यूज करो। लेकिन जनरली आई वुड वांट टू से, अगर आप साल में एक बार लॉन्ग टूर करने वाले हो, देन डो नॉट इवन थिंक ऑफ गोइंग फॉर अ टूरिंग बाइक। आप सोचिए कि सिटी बाइक कौन सी है, बस वही फंडा है। डोंट गो फॉर अ बिगर बाइक्स। ऐसे मत सोचिए कि भाई मतलब बड़ा बाइक है मैं वो खरीद रहा हूँ, ये खरीद रहा हूँ, बट डज नॉट मेक एनी सेंस आउट ऑफ इट। तो सबसे पहले पर्पज आपको ढूंढना पड़ेगा कि किस टाइप का आपको बाइक चाहिए। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन अपना। तो अभी हम बात करते हैं, मतलब थर्ड क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रांड कौन सा है। गाइस ब्रांड एसोसिएशन जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हर कोई ब्रांड का सर्विस कैसा है, आफ्टर सेल सर्विस का आपको सोचना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू द रीजन व्हाई, बहुत सारे लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि यार इस ब्रांड का आफ्टर सेल सर्विस जो है वो अच्छा नहीं है मैंने सुना है, या बहुत ज्यादा अच्छा है मैंने सुना है, इसके जो स्पेयर पार्ट्स है बहुत ज्यादा सस्ता है, इसका जो स्पेयर पार्ट है बहुत ज्यादा कॉस्टली है,
ऐसे मैंने सुना है। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली मैंने सुना था BMW का जो G310 GS है, बहुत ही अच्छी बाइक है यार, मतलब बहुत जबरदस्त मोटरसाइकिल है वो, बट उसका जो सर्विसिंग कॉस्ट है बहुत ज्यादा है, उसका जो स्पेयर पार्ट है बहुत ज्यादा है, उसमें आपको कोई फ्री सर्विस नहीं मिलता है। सो ये सब चीजों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। आप इन्वेस्ट तो कर दोगे, 3-4 लाख आप कैसे भी करके इन्वेस्ट कर दोगे, लेकिन उसके बाद कैन यू मेंटेन द बाइक? अगर कुछ बाइक को हुआ तो स्पेयर पार्ट रिप्लेस करेंगे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, कैन यू डू दैट? वो सब आपको सोचना पड़ेगा। एंड कमिंग टू द पॉइंट, जैसे मेरे पास डोमिना 400 मैंने इसलिए खरीदा था बिकॉज मैं लॉन्ग टूर्स भी मार सकता हूँ, मैं सिटी राइड्स भी कर सकता हूँ उसमें, साथ साथ में बाइक जो है इसके जो स्पेयर पार्ट बहुत ज्यादा सस्ता है, मतलब इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ एनी अदर पल्सर्स, बिकॉज दैट इज एन एडवांटेज ऑफ बजाज। उसके जो ब्रेक पैड्स होते हैं या व्हेन यू गो फॉर रेगुलर मेंटेनेंस, बहुत कम खर्चा आता है मुझे। तो इन चीजों के बारे में सोच के मैं आपको बोल रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा पूछना जरूरी है। एंड ये भी सोचिए कि आपकी जो सिटी है, सिटी में आपको कौन सा बाइक बेटर है, मतलब फॉर एग्जांपल कौन सा सर्विस सेंटर बेटर है, वो भी आप उसको भी रिसर्च करना पड़ेगा, बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। सो व्हेनेवर यू आस्क अ क्वेश्चन, किसी को भी क्वेश्चन पूछेंगे तो सबसे पहले ये 3 चीजें पूछिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता लीजिए कि व्हाट्स योर बजट, व्हाट्स योर पर्पस एंड व्हाट्स द ब्रांड दैट यू वांट टू गो विद। इन 3 चीजों के बारे में थोड़ा सोच के आप पिंग कर सकते हो। सो गाइस, दिस वाज इट वीडियो। मैं आशा करता हूं कि आपको इन वीडियो में से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है। अगर आपको मिला है तो पता है क्या करना होता है, सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप या फेसबुक के ऊपर। एज यूजुअल गाइस, आई विल एंड दिस वीडियो विद जय हिंद वंदे मातरम।